यूनिक्स या कमांड, ठीक है। सी आर मीन्स जो ट्रांसलेट करना, ठीक। सो इन टूडेज लेक्चर्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्दर फिल्टर कमांड, मतलब जो व्हाट एवर द डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्टर्स कमांड्स आर देयर। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिल्टर कमांड्स आर टी आर कमांड्स। सो टी आर स्टेटमेंट जो होता है, टी आर का अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं, टी आर अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं, सो टी आर मीन्स ट्रांसलेट, ट्रांसलेट करना है। यानी एक तरीके से सिंपल सी बात है, अगर आपका कुछ दिया हुआ है उसको अनदर फॉर्मेट में यानी ट्रांसफॉर्म करना है। अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल, ट्रांसलेट का मतलब होता है कि अगर सपोज कर लो ए दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट करना है कैपिटल ए में, दैट इज बीइंग ट्रांसलेट, यानी आप इसको ट्रांसलेट कर रहे हो, यानी अनदर फॉर्म में ट्रांसलेट कर रहे हो, तो इसका पर्पस वही होता है। टी आर कमांड सेकेंड पॉइंट में आपको बता रहा है, टी आर कमांड इज यूनिक्स कमांड लाइन यूटिलिटी फॉर ट्रांसलेटिंग और डिलीटिंग कैरेक्टर्स। इसका मतलब है या तो आप ट्रांसलेट कर सकते हो या तो फिर आप कैरेक्टर को डिलीट भी कर सकते हो। अगर सपोज कर लो आपके फाइल्स में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसको आपको डिलीट करना है, रिपीट हो रहा है, आपको डिलीट करना है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। गलती से आपने उसको लगाया होगा तो उसको आप डिलीट करना है, तो पूरे फाइल में उसको सर्च करके डिलीट करने से अच्छा आप इस कमांड को चला दो, तो वो पूरा पूरा चीज सर्च करेगा और जहां जहां मैच मिलेगा उसको डिलीट कर देगा। इट सपोर्ट्स अ रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आप एक रेंज दे सकते हो। अब रेंज का मतलब होता है जैसे सपोज कर लो मैं खाली यहाँ पे ए लिखा हूं तो वो ए को ही फाइंड आउट करेगा। आप चाहते हो कि रेंज दे दो, तो रेंज देने के लिए आप क्या करोगे, ऐसा करके आप जो है एक रेंज दे दोगे और उस रेंज को आप बोलोगे कि ट्रांसलेट करे, तो ये ट्रांसलेट कर लेगा कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड, यानी ये मैप कर लेगा ए का ए से बी का, तो यानी जो भी है उसके साथ वो कोऑर्डिनेट करके मैप करके कर। तो यानी रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस इंक्लूडिंग अपर केस टू लोअर केस, जैसे मैंने बताया स्क्वीजिंग रिपीटिंग कैरेक्टर्स, इसका मतलब है बहुत सारे कैरेक्टर्स अगर आपका रिपीट हो गया, जैसे कि मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ लाइन, ठीक है, LINEEE ऐसा करके रिपीट हो गया, तो आप चाहते हो ये जो रिपीटेड कैरेक्टर है इसको हटाना है, तो ये स्क्वीजिंग कर, मतलब वो रिपीटेड कैरेक्टर्स को हटा के छोटा कर देगा उसको, तो इसका सिर्फ आपके पास बचे रहेगा लाइन। सो डिलीटिंग स्पेसिफिक कैरेक्टर जो मैंने अभी बताया, इससे आप डिलीट भी कर सकते हो। सपोज कर लो आप गलती से हर जगह जो है गलती से कुछ आपका ऐड हो गया, कोई कैरेक्टर ऐड हो गया, तो उसको आप जो है रिप्लेस कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट कि आप एक रेंज प्रोवाइड कर सकते हो और साथ में इसको डिलीट भी कर सकते हो, कुछ रिपीटेड कैरेक्टर्स को आप कम कर सकते हो यानी स्क्वीज कर सकते हो। इट कैन बी यूज यूनिक्स पाइप, अब इम्पोर्टेंट है, मैं पाइप के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया था, तो इसका मतलब है कि पाइप का इस्तेमाल करके आप जो है मोर कॉम्प्लेक्स ट्रांसलेशन दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टीआर कमांड यूज करता हूँ और एक फाइल का नाम देता हूँ, तो वो सिर्फ वो फाइल के अंदर के कंटेंट को वो क्या करेगा, सर्च करेगा। और उसके सपोज कर लो आप अपने सर्वर में बैठे हो और बहुत सारे यूजर आपके सर्वर के साथ कनेक्ट है और आप ये चाहते हो कुछ पैटर्न फाइंड आउट करना चाहते हो, ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि ए से नाम वाले कितने सारे हमारे पास जो सर्वर है उसको मुझे शो करना है, तो आप सिंपल सी बात है कि ये जो होता है नॉर्मली अगर आप बिना पाइप का इस्तेमाल करोगे तो ये काम नहीं करेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप पहले फाइंड आउट करोगे अपने सर्वर के सारे जितने भी यूजर कनेक्टेड है उससे आप फाइंड आउट करोगे, फाइंड आउट करने के बाद आप पाइप का यूज करते हुए उसको जो था रीडायरेक्ट करोगे अनदर फॉर्म। जैसे सपोज कर लो आपको ये पता करना है कि टीआर कमांड में जितने भी लोअर केस में लिखे हुए कैरेक्टर्स है यानी टर्मिनल के नाम है उसको अपर केस में कन्वर्ट करो, तो आपके पास एक ही तरीका है कि सारे का आप क्या करोगे, हु कमांड यूज करोगे और हु कमांड यूज करने के बाद उसको टीआर में रीडायरेक्ट करोगे यूजिंग पाइप। तो यानी पाइप का इस्तेमाल करके आप जो है मोर कॉम्प्लेक्स ट्रांसलेशन पॉसिबल है और अच्छे से इसको इनहेंस कर सकते हो, एडवांस फॉर्म में ले आ सकते हो। सिंटेक्स देखिए बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है, टी आर ऑप्शन तो मैंने आपको बोला अगर आप यूज करना है तो कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ऑप्शन नीचे डिफाइन किया गया है, आपके पास जो होता है सेट वन दिया हुआ है और दूसरा होता है सेट टू दिया हुआ है, तो सेट वन और सेट टू जो होता है सेम एज ए, आप यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है जैसे ए टू जेड, तो आप चाहते हो कि मैं ए टू जेड कैरेक्टर को कैपिटल ए टू जेड कैरेक्टर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेट वन में मैं ये लिखूंगा यानी सोर्स लिखूंगा और सेट टू में मैं डेस्टिनेशन लिखूंगा जो कि वो कन्वर्ट करेगा। ऑप्शंस में आपके पास बहुत सारे अवेलेबल है, सबसे पहला है माइनस सी, सी ऑप्शन, तो कॉम्प्लीमेंट्स अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग दैट इज
ऑपरेशन अप्लाइड टू कैरेक्टर नॉट इन द गिवन सेट, अगर आप ऐसा करते हो तो कॉम्प्लीमेंट्स यूज करें, कॉम्प्लीमेंट डिलीट। दूसरा डिलीट द कैरेक्टर इन द फर्स्ट सेट फ्रॉम द आउटपुट, तो इसका मतलब होता है कि फर्स्ट सेट में जो भी चीजें डिफाइन है उसको आउटपुट वाले यानी जो भी आउटपुट ले जाएगा वो सारे के सारे को डिलीट करेगा। आप सपोज कर लो मैं अगर ये माइनस डी इसकी जगह अगर माइनस डी यूज करता हूँ तो फिर क्या होगा कि माइनस डी यानी टी आर, टी आर में मैं एक इनपुट देना चाहता हूँ। तो चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ कैट कमांड, कैट कमांड क्या करेगा, जैसे कोई फाइल है जैसे माई फाइल है, मैं लिखता हूँ माई फाइल, ठीक है, इसको मैं पाइपिंग कर रहा हूँ, पाइप करने के बाद जो होता है मैं इसको टी आर के थ्रू टी आर, अब मैं ये देखता हूं कि अगर ए नाम से कोई भी चीज होता है, जैसे ए नाम से अगर सेट में मैंने दे दिया ए नाम, तो ए नाम से अगर ए नाम का कोई भी आपको फाइल दिखेगा, एक सिंगल कैरेक्टर का कोई फाइल दिखेगा, उसको वो जो होता है क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा क्यों, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं यूज करूंगा माइनस डी, फिर उसके बाद क्योंकि ऑप्शन पहले लिखना है, उसके बाद मैं चाहता हूं कि ए नाम से जो भी कैरेक्टर है वो डिलीट हो जाए। अब ये हो गया हमारा, अब ये अगर डिस्प्ले अगर आप ऐसे छोड़ दोगे तो क्या करेगा, यहां से डेटा को लेगा, कैट फाइल के थ्रू डेटा को लेगा और जो भी आउटपुट है वो यहाँ ट्रांसलेट करेगा और उस आउटपुट को एज ए इनपुट लेके ये ऑप्शन ट्राई करेगा और ए से रिलेटेड अगर उसके पास कुछ भी डेटा है यानी कोई भी लाइन है उसको वो डिलीट कर देगा और डिलीट करके शो करेगा। आप चाहे तो इसको रीडायरेक्ट कर सकते हो और रीडायरेक्ट करने के बाद जो होता है आप लिख सकते हो कि न्यू फाइल, आप इस तरह से न्यू फाइल करके अगर आप देते हो तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम कमांड को लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइप, पाइप का यूज करके कॉम्प्लेक्सिटी यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि डिलीट को कैसे किया जाता है, डिलीट कैरेक्टर। माइनस एस रिप्लेस रिपीटेड कैरेक्टर लिस्टेड इन द सेट वन विद द सिंगल ऑपरेंड्स, तो इसका मतलब होता है इसी कमांड को अगर आप ट्रंकेट करना ये रिप्लेस करना चाहते हो यानी रिपीटेड को रिप्लेस करना चाहते हो तो माइनस एस यूज करोगे, जैसे मैंने माइनस डी यूज किया है उस तरह से आप यूज करोगे माइनस एस और उसके बाद आपको देखेंगे कि कोई ऐसे कमांड जो रिपीट हुआ है उसको आप हटा सकते हो। फिर ट्रंकेट सेट वन यानी ट्रंकेट यानी हटा देना, अगर मान लो सेट वन में यानी माइनस डी करते हो और सेट वन में आपने जितने कैरेक्टर डिफाइन किए हैं आप चाहते हो कि वो जो कैरेक्टर होता है उसको ट्रंकेट करना है, हटा देना है या डिलीट करना है, तो उसको आप यहां से यूज कर सकते हो इस कमांड पे। तो दीज आर द हमारे पास टीआर कमांड के कुछ एग्जांपल है जो कि हम लोग फर्दर अब देखेंगे। जैसे एग्जांपल आपके पास है, जैसे आपको देख सकते हो कि कैट माई फाइल, तो हमको क्या करना है देखिए कि हाउ टू कन्वर्ट लोअर केस टू अपर केस, एक सिंपल से एग्जांपल, ये एग्जांपल को आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो, इसको एग्जांपल को अपने माइंडसेट में बैठा लो कि अगर मुझे टीआर कमांड के बारे में लिखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया गया है पहले शीट में, जो पहला वाला प्रीवियस जो स्लाइड है उसमें दिया गया है आपको, और इस कमांड को जो है आप जो है एग्जांपल के फॉर्म में यानी सेकंड जो एग्जांपल है इसको आप देख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर मुझे लोअर केस टू अपर केस बाय यूजिंग टीआर कमांड यूज करते हुए करना है तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, तो जैसे सपोज कर लो हमारे पास एक फाइल दिया हुआ है माई फाइल, तो मैं चाहता हूं कि माई फाइल के कंटेंट्स को पहले चेक कर लूं क्या होता है। जैसे माई फाइल के कंटेंट्स को आप देख सकते हो कि ये लिखा हुआ है, ये कैपिटल में लिखा हुआ है और दूसरा जो था भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैपिटल एंड स्मॉल में लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो चीजें है यानी इसको इसको अपर केस में ले जाए, यानी इसको हम लोग अपर केस में ट्रांसलेट कर दें, तो ये अपर केस में ट्रांसलेट कैसे होगा बाय यूजिंग टीआर कमांड, तो वो चीज आप देख सकते हो। सबसे हमारे पास दो ऑप्शंस है, दोनों में से किसी भी ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो, ये फैसिलिटी दिया गया है। सबसे पहला ऑप्शन बताया है कि आप जो है पहले इसको डिस्प्ले करो और इसको रीडायरेक्ट करते हुए यहाँ पे सेंड कर दो, यानी यानी आप क्या यूज कर रहे हो, ये पाइप ऑपरेशन, यानी यहाँ पे आप पाइप यूज किए हो। देखो तो पाइप से क्या हो रहा है कि जो भी डिस्प्ले हो रहा है उसको एज ए आउटपुट वो एज ए इनपुट किसमें चला गया, टीआर में। अब टीआर में जब वो इनपुट चले गया तो उस सेट वन और सेट टू यानी ये हो गया सेट वन और ये हो गया सेट टू, तो सेट वन जो होता है सोर्स होता है, आप क्या करना चाहते हो, तो सेट वन मतलब वन कि आप चाहते हो कि मैं स्मॉल लेटर के ए से लेके जेड तक जितने भी कैरेक्टर्स हमको मिल रहे हैं उसको हमको कैपिटल में चेंज करना है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ये हो रहा है कि स्मॉल ए जो होता है कैपिटल ए से मैप हो गया,
स्मॉल बी जो होता है कैपिटल बी से मैप हो गया एंड सो ऑन. अगर हम बात करेंगे तो स्मॉल जेड जो होता है कैपिटल जेड से मैच हो रहा है. तो इसका मतलब है यहाँ जो आप सेट लिखोगे ये एक जैसा होना चाहिए. अगर गलती से आपने यहाँ पे ए से जेड के बजाय एक कम कर दिया तो लास्ट वाला, जैसे मैं लिख देता हूं ए से लेके, आप ध्यान दोगे यहां पे मैं क्या बोलने जा रहा हूं, मैं जैसे ए से लेके वाई करता हूं और ये लिख देता हूं, तो इसका मतलब है गलती से आपने लिख दिया है. बट यहां पे आप देखोगे कि जो जेड है जेड का किसी के साथ कोई भी नहीं है, तो यानी जेड आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है. ये चीज आपके लिए क्वेश्चन मार्क है कि जेड के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, तो जेड का कोई भी कन्वर्शन नहीं है. तो अगर इसमें आपका जो यहाँ पे आपका इनपुट है इसमें अगर कहीं भी जेड होगा तो वो कन्वर्ट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसमें मैच नहीं हो रहा है. तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका जो सोर्स है सेट वन में मैपिंग जो होता है सेट टू के साथ मैच करना चाहिए. यहाँ पे ये सेट टू है, आप देख लीजिए. अब दूसरा कमांड हमारे पास है, बहुत सिंपल सा कमांड है. आपको अगर कैरेक्टर को याद नहीं रखना है क्या है तो आप दूसरा कमांड यूज कीजिए. चीजें वही है यहाँ पे, यहाँ से वैल्यू जो होता है यहाँ पे रिडायरेक्ट होगी एज ए इनपुट. और उसके बाद यहाँ पे खास बात है, देख सकते हो इसको ऐसे लिखते हैं लोअर. लोअर में जब आप लिख रहे हो तो आपको ध्यान देना है ये जो चीजें है ध्यान देना, कोलोन के बीच में आप लिख रहे हो. और इसको जो होता है किसके साथ मैच हो रहा है, अपर के साथ मैच हो रहा है. तो ये चीजें आप ध्यान दोगे. तो दिस इज द सिंपल आपके पास दिया हुआ सिंटेक्स कि इसको आप कैसे करोगे. तो जैसे इसको आउटपुट में देखोगे तो ये, अब इसको आप प्रैक्टिकल करके देख लोगे. जो मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन आपके पास जो सेल प्रोग्राम मतलब जो सेल अवेलेबल है उसमें आप चेक करके देख सकते हो, तो आपको ये पता चल जाएगा. अब कहते हैं नेक्स्ट जो होता है हमारे पास हाँ, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी आपका एक एग्जांपल बन सकता है कि हाउ टू ट्रांसलेट ब्रैकेट इनटू अ पैरेंथेसिस. यानी हमारे पास ब्रैकेट दिया हुआ है इसको पैरेंथेसिस, इसका मतलब है आपने प्रोग्रामिंग कर या कुछ लिखते समय गलती से आपने इस ब्रैकेट को लिख दिया, सब जगह आपने पूरे फाइल्स में इस ब्रैकेट को लिख दिया. लेकिन अब आप चाहते हो कि नहीं मैं इस जो आपका ब्रैकेट है इसको पैरेंथेसिस में कन्वर्ट करना, यानी स्मॉल ब्रैकेट जो होता है उसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये कैसे पॉसिबल है यूनिक्स में? ये चीजें सिंपल तरीके से है. सबसे पहले तो मैं कि आपका जो एग्जांपल है उसके लिए पहले देखना पड़ेगा कि मेरा क्या है. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास दो ब्रैकेट लग गया है, इसको पैरेंथेसिस में कन्वर्ट करना है. तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, वेरी सिंपल. आपके पास जो माई फाइल में जो कंटेंट लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे टीआर में ट्रांसलेट करोगे एज एन इनपुट. तो देख सकते हो बाई यूजिंग पाइप, यहाँ पे हमारा पाइप यूज हो रहा है, आप देख सकते हो यू कैन चेक इट पाइप. और उसके बाद जो होता है टीआर, टीआर में ये सेट वन दिया हुआ है, दिस इज सेट वन. तो ये सेट वन का जो होता है सोर्स है, इसमें से फाइंड आउट करेगा कि कौन कौन सा ब्रैकेट, यानी दो सेपरेट कैरेक्टर्स है इसमें. तो इसका मतलब ये कोई रेंज नहीं है, ये फर्स्ट कैरेक्टर है और ये सेकंड कैरेक्टर, यानी दो सेपरेट कैरेक्टर को वो क्या करेगा ट्रीट करेगा. और फर्स्ट को यहाँ पे जो होता है हमारे पास सेट टू दिया हुआ है, आप देख सकते हो दिस इज सेट टू. अब इसको अगर मैं मान के चलता हूँ कि ये फर्स्ट है ये है, तो ये भी यहाँ का वन और यहाँ का टू है, यानी दो सेपरेट कैरेक्टर्स है. तो वन का वन के साथ मैपिंग हो जाएगा और इसके साथ. तो देखिए मैपिंग करने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ सेटअप सेट वन में दो कैरेक्टर दिया है जो कि ब्रेसेस है, ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस, जिसको हमने आपको जो था ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट एंड पैरेंथेसिस जो था ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस से. अब देखिए यहाँ खास बात है, मैंने ये वाला कैरेक्टर यूज किया है. तो ये जो मैंने कैरेक्टर यूज किया, कोई बता सकता है ये कैरेक्टर क्या कहलाता है? ये जो मैंने सिंबल यूज किया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसी को याद है? इसको हम लोग बोलते हैं रीडायरेक्शन ऑपरेटर, याद कीजिए ये सब. आप लोगों को विजिबल हो रही कि नहीं बोर्ड? यस सर, यस सर. हाँ, तो मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, किस कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? सब चीजें याद होते हैं भी भूल गए. तो इसको हम लोग बोलते हैं रीडायरेक्शन ऑपरेटर, जिसमें क्या हो रहा है कि हम अपने जो भी ऑपरेशंस के आउटपुट है उसको स्टैंडर्ड आउटपुट में देखने के बजाय हम उसको किस में ट्रांसलेट कर सकते हैं विदाउट शोइंग ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट, इट विल बी स्टोर्ड इन ए आउटपुट फाइल. इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट फाइल, आउटपुट फाइल है. तो ये जो फाइल है
ये एक्सटर्नल आउटपुट फाइल है जिसमें स्टोर कर देगा जो भी ऑपरेशन हो, तो ये क्या करेगा, जो भी प्रोसेस है। तो इसका मतलब है ये जो आपका वेलकम लिखा हुआ है, जो पहले कुछ और लिखा हुआ था जिसमें आपका जो ब्रेसेस लगे हुए थे, ये जो होता है आउटपुट फाइल में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आउटपुट फाइल में ये कंटेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आउटपुट फाइल में आ रहा है, ये तो देख सकते हो कि बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया। तो ये बता रहा है डिस्क्रिप्शन में आपका लास्ट में ये दिया गया है, द अबव कमांड्स विल रीड ईच कैरेक्टर फ्रॉम माई टेक्स्ट, जो कि मैंने लिखा है माई फाइल से लिया है, एंड ट्रांसलेट इफ इज ए तो इफ इट इज ए ब्रेसेस, यानी अगर ब्रेसेस है, एंड राइट द आउटपुट टू द न्यू फाइल, जिसको हम लोग बोल रहे हैं आउटपुट फाइल के फॉर्म में हम लोग जान रहे हैं उसको, तो न्यू फाइल में ट्रांसफर कर। ये सेकंड एग्जांपल है जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा जो वेरियस काइंड्स ऑफ रीडायरेक्शंस ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया, फिल्टर्स जो भी है जैसे एटीआर कमांड, तो उसके बारे में मैंने बताया। अब हम लोग चलते हैं